जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, हम लोग लगातार जो पिछले 10 दिन से मौलिक अधिकार पर वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार में एंटर कर चुके हैं, जिसमें अनुच्छेद 19 और 22 को जो फिनिश कर दिया गया है। और वीडियो को नहीं देखते हैं तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप जाकर वहाँ देख लेंगे, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अनुच्छेद 21 को, ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिले, चूंकि यह काफी इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से, ठीक है। हम लोग संविधान के बाकी संविधान का अनुच्छेद जो 21 पढ़ेंगे, जो अनुभाग 3 के अंतर्गत आता है फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में हम लोग आर्टिकल 21 को देखने वाले हैं। आर्टिकल 21 जो कहता है, कह रहा है इसमें दो बातों को साफ साफ बता दिया गया है। इसमें दो बातों को है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण का मतलब लाइफ, यहाँ समझ लीजिए, इंग्लिश में आपको देखते हैं इंग्लिश का मीनिंग इसका होता है लाइफ, और देही का पर्सनल होता है पर्सनल पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का मतलब देही स्वतंत्रता, मतलब आपका निजी चीज, पर्सनल समझते हैं ना, निजी आपका। जैसे मान लीजिए हर एक व्यक्ति का कोई निजी चीज होता है, खास चीज होता है जो किसी को बताना नहीं चाहता है। बहुत बार सुने होंगे कि कोई व्यक्ति कहता है नहीं मेरा पर्सनल मैटर है, हम नहीं बताना चाहते, तो नहीं बताता है, उसका स्वतंत्रता है, ठीक है। चलिए इसी के बारे में हम समझते हैं आगे, पहले इसको प्राण समझेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को प्राण, अपने प्राण को बचाने की स्वतंत्रता है, वो प्राण बचाएगा। अब उसके हिसाब में तीन चीज को समझिए, पर्यावरण। अब यह पर्यावरण की बात क्यों है, क्योंकि पर्यावरण जब प्रदूषित होगा, ठीक है, तो प्रदूषित जब श्वास हम अपने अंदर लेंगे तो उससे हमारी जान को खतरा है, इस तरह प्राण का खतरा हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए, ठीक है। इसलिए देखते होंगे जितने भी आरटीओ ऑफिसर हैं जो पोल्यूशन चेक करता है, आपका पोल्यूशन फैल है, फाइन मार देगा, ठीक है। क्योंकि आप जो पोल्यूशन फैला रहे हैं उससे पूरा वायुमंडल प्रदूषित होता है, और वही ऑक्सीजन के रूप में हम लेते हैं, और जाकर हमारा जो स्वास्थ्य खराब हो जाता है और व्यक्ति बीमार होता है और मर जाता है। मरना नहीं चाहिए, तो प्राण बचाने की स्वतंत्रता है, इसलिए हम पर्यावरण को दूषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाइक चलाते हैं, चिमनी का उदाहरण लीजिए, चिमनी जलता है उसका टैक्स देता है चिमनी वाला, क्योंकि काफी मात्रा में पोल्यूशन फैलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग महज एक बाइक चलाते हैं तो उसका भी पोल्यूशन आपको देना पड़ता है, टैक्स के रूप में उसका पोल्यूशन हमको भरते हैं, ठीक है। तो ये पर्यावरण में दूषित आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 21 कहता है। अब दूसरी बात कहता है कि आत्महत्या मतलब सुसाइड। कहता है कि जब आपको भारतीय संविधान मरने की आजादी नहीं देता है, स्वतंत्रता नहीं देता है, प्राण बचाने की स्वतंत्रता देता है, तो आप अपने से नहीं मर सकते हैं, आप खुद से भी अपने आप को नहीं मार सकते हैं। और ट्राई किए मर गए तो कोई बात नहीं है, मर गए तो केस किस पे करेगा सरकार। लेकिन अगर आप आत्महत्या करते तो पकड़ा गए, ठीक है, तो इसी एक्ट के तहत आपको भेज देगा भीतर, तुम मर क्यों रहा था, हम बचाने के चक्कर में है और तुम मरने के चक्कर में है, तो आप सुसाइड भी नहीं कर सकते हैं, आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। यह किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 21 में आपको है कि आप आत्महत्या भी आप नहीं कर सकते हैं, आपका प्राण देख स्वतंत्रता आपका यह है, ठीक है। दूसरा, इससे प्राण ही बचता है, पर्यावरण दूषित नहीं होगा तो प्राण ही बचेगा, आत्महत्या नहीं करेगा तो जी लीजिएगा आप जीवन पूरा अपना, ठीक है। अब तीसरा आता है श्वास। मान लीजिए कि हम आत्महत्या नहीं किए, पर्यावरण भी शुद्ध है, ठीक है, लेकिन अगर हम कोई बीमार पड़ गए, ठीक है, तब क्या होगा, तब तो हमारे प्राण खतरा, मान लीजिए कैंसर होगा तो मर जाएगा आदमी, ठीक है, टीबी हो जाए, बहुत सारा बीमारी जो जानलेवा होता है, ठीक है। तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, ठीक है। इस आर्टिकल 21 में यह उल्लेख किया गया है कि स्वास्थ्य भी आपका जो सही होना चाहिए, इसका भी सरकार जो है और संविधान हमारा जो है इस बात का भी ध्यान रखता है। तो इन तीन चीजों को इसमें बताया गया है। इसके बाद इस साइड चलते हैं, ये तो प्राण से संबंधित हो गया, अब चलते हैं देश स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी, कोई भी इंसान जो होता है उसका जीवन दो तरह का होता है, एक होता है मान लीजिए प्रोफेशनल जीवन, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी, तो हम ऐसा आपके सामने बात नहीं बोल सकते हैं जैसा हम अपने दोस्तों से, अपने मित्रगण से, मतलब अपने करीबी से, उस हिसाब से जैसे हम लोग भी आ रहे हैं भोजपुरी में बात करते हैं, अभी यहाँ पर हम हिंदी में बोल रहे हैं, आपको कह के बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा दोस्त होगा तो मैं उससे आप थोड़े कहूंगा, कुछ और ही बोलूंगा, ठीक है। तो पर्सनल है और एक प्रोफेशनल लाइफ है। तो पर्सनल लाइफ में यह कहता है कि हर एक इंसान को अपना पर्सनल लिबर्टी है, दैहिक स्वतंत्रता है, उस हिसाब से कुछ बातें यहाँ पर लिखित है उसको हम लोग
देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो कहता है देख स्वतंत्रता में आर्टिकल है कि आप चाहे तो एकांत में रह सकते हैं। ये सवाल लीजिए, कोई कहता है ना कहता लीव मी अलोन, ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो। ज्यादा डिस्टर्ब होता है आदमी तो बात है कि नहीं मुझे एकांत में छोड़ दो। तो एकांत में छोड़ देना यानी कि एकांत में आप रह सकते हैं, ये आर्टिकल एक ही सबको कहता है कि आप चाहे तो एकांत में भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, विदेशी भ्रमण माने पूरा दुनिया में कहीं भी आप अगर सक्षम है तो कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की, घूमने की स्वतंत्रता जो है यह आर्टिकल 21 देता है। अब सोच सकते हैं कि आर्टिकल से कितना महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हमको विदेश जाने का मन किया, मान लीजिए हमको मान लीजिए कि अमेरिका जाने का मन किया, हम जाएंगे घूमने, ठीक है। अब मान लीजिए नहीं रहता तो यह भ्रमण हमारा नहीं हो पाता, हम कहीं नहीं जा पाएंगे। तो यह स्वतंत्रता देता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, विदेशी भ्रमण कर सकते हैं। उसके बाद यह निजता का बात है, निजता मतलब कोई निजी चीज, पर्सनल चीज जो आप किसी को भी बताना चाहते हैं, ना माँ बाप को बताना चाहते हैं, खुद अपने वाइफ को भी, और शादीशुदा मैरिड है अपने वाइफ को भी बताना नहीं चाहते हैं तो आप नहीं बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह आर्टिकल 21 में है कि मेरा निजी भाई, मेरा पर्सनल मैटर है, बीइंग ए ह्यूमन, हम अपने पर्सनल बातों को आपसे भी शेयर नहीं कर सकते हैं तो नहीं क्लियर, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि अर्धांगिनी है, आधा अंग की मालिक है तो उसको सब बता देंगे, नहीं बताना नहीं है। ये निजी है, यह सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए भी उतना ही है कि वो जो है कुछ बात को छिपाना चाहे तो छुपा सकती है, छिपा सकती इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मोबाइल है, मान लीजिए हम चाहते हैं कि मेरा मोबाइल का पासवर्ड आपको नहीं पता चले, ठीक है, तो हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। ऐसा बहुत सारा केस हुआ है, ठीक है, तो हमारा पर्सनल मैटर है, हम आपको नहीं बताना चाहते हैं, तो कोर्ट में भी वकील पूछता है कि हाँ बताइए ऐसा हुआ था, नहीं ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं नहीं बता, इट्स माय पर्सनल बोल देते हैं, तो वकील भी नहीं कुछ पता, क्यों, क्योंकि निजता का भी अधिकार है, यह आर्टिकल 21 हमको देता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग का लास्ट जो है एडल्ट्री के बारे में समझना है, ठीक है। एडल्ट्री क्या होता है, एडल्ट्री में कुछ बात को समझना आपको पड़ेगा, ठीक है। इसमें पहले जो होता था संविधान मतलब कहता था, ठीक है, और कोई शादीशुदा महिला है, ठीक है, और उसको उसके साथ कोई गैर मर्द जो है, गैर पुरुष उसके संबंध बनाता है, ठीक है, कोई दूसरा पुरुष उस महिला से संबंध बनाता है, तो इसमें इस महिला का कोई दोष नहीं है, इस केवल केवल सिर्फ इस पुरुष का दोष है, ठीक है, और इसमें उसका पति कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। जो है ये गैर पुरुष से संबंध बनाती है तो ऐसा होगा, लेकिन नहीं, यह जो है इसको हटा दिया गया, ठीक है, हमारे भारतीय संविधान द्वारा। अब जो है इसमें जो है क्या कर दिया गया कि अगर कोई महिला है, ठीक है, किसी गैर मर्द से संबंध चाहे तो बना सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका हस्बैंड उसको नहीं रोक सकता है, ये इसमें कहता है कि नहीं, एडल्ट्री ही निजता है, वो आपस चाहे तो किसी और मर्द से भी संबंध बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसका हस्बैंड चाहे तो खूब खिसिया के डिवोर्स ले सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं उसको, उस महिला का, वो अपना चाहेगी तो कर सकती है, भारतीय संविधान कहता है। तो किसी जगह आपको मान लीजिए कि थोड़ा दिक्कत हो भी जाता है, ठीक है। आगे दोस्तों देखते हैं, इसी में 2002 में एक और इसमें जुटा 21 का क, ठीक है, 21 का क क्या कहता है, आर्टिकल 21 का क, यह 21 का क शिक्षा का अधिकार देता है। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे राज्य है, हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं जो मतलब बेसिक नॉलेज भी, बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिल सकता है, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आर्टिकल 21 का क जो है 46वां संशोधन 2002 में आर्टिकल क 21 में एक क जुटा जो शिक्षा का अधिकार देता है, जिसके अंतर्गत 6 वर्ष लेकर और 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क जो है शिक्षा देना, यह हमारे सरकार का, गवर्नमेंट का जिम्मेवारी है। यह आर्टिकल 21 में स्वतंत्रता देता है कि आपको पढ़ाना है। निःशुल्क का मतलब दोस्तों होता है बिना पैसा के। आज भी अगर हम देखेंगे तो हम आईटी तक जाते हैं, इसका बुक सब जो है असरदार, तो सबका बुक सरकार देती है, हम पढ़ने जाते हैं हाई स्कूल में पैसा नहीं लगता है, ठीक है। हालांकि हम कोशिश करते हैं तो अलग चीज है, ठीक है, वो आपका मन है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पैसा आपको नहीं लेता है, 14 साल तक जो है आप निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी से संबंधित जब 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का जब जो भार उठा ली गवर्नमेंट, तो कही कि इसी के संबंध में आता है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य में देखिएगा कि छोटे छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी खुला हुआ है, वहाँ दाल चावल सब कुछ मिलता है, बिस्कुट भी मिलता है, कहने के से मिलता है, मिलता कहाँ है, ठीक है। उसके बाद
नियम जो मध्याह्न भोजन बनता है ये सब चीज इसी के संबंध में आता है कि अब पढ़ तो लेगा लेकिन कुपोषण का शिकार नहीं होना चाहिए। भोजन होगा तब ना पेट में रहेगा भोजन, तब होगा वजन, ठीक है। तो ये सब चीज बहुत जरूरी है, इसी हिसाब से अब पोलियो का टीका जो लगता है इसी संबंध में आता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, आर्टिकल 21 को हम लोग फिनिश किए, ठीक है। उसमें आर्टिकल स्कोप को भी समझा दिए, मैं ऐसा करता हूँ कि आप बेटर समझते हैं इस आर्टिकल 21 को, 21 के कॉप को, ऐसा करते हैं समझिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। जय हिंद।